अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। दुआ करूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो टाइम हो गया, इस टाइम मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कि टाइम क्या हुआ है। ये देखें, रात के टाइम तकरीबन 2:30 बज चुके हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इस टाइम पता नहीं क्या कर रहा है ये। मैं निकलने लगा हूँ लाहौर, ठीक है? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भतीजे ने जाना है UK, तो उसे छोड़ने जा रहा हूँ। सब सो रहे हैं, मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए हैं, तो हम आज रेडी है, निकलने लगे हैं। बाकी सफ़र आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। मेरे व्लॉग में आए कौन कौन है आगे देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो सुबह का टाइम ये 5 बज रहे हैं तकरीबन। अभी आते ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी नमाज़ पढ़ी है। ये लाहौर एयरपोर्ट जश्न ईद मिलादम की खुशी में काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की हुई है। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा है हमारा, ठीक है। सुबह का टाइम है, रश भी नहीं है इतना एयरपोर्ट पर, ना रास्ते में रश था। हम तकरीबन 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटा भी नहीं लगा, तकरीबन घंटा ही लगा है, 1.25 घंटा लगा है, हम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हम 5 लोग एयरपोर्ट पे आए हैं, मैं हूँ और एक भतीजा है और साथ हमाद के 3 दोस्त हैं, ठीक है, कासम, एहसन और अकील, ठीक है, और साथ एक ड्राइवर है। लाहौर एयरपोर्ट से भी मैंने भी तकरीबन 4-5 दफ़ा इंटरनेशनल सफ़र किया है। तो जब बंदा पहली दफ़ा जाता है तो यकीन करो बड़ा उदास सा होता है। आज हमाद भी ऐसे ही है। ये हैं जी हमारे चीमा साहब, नेक्स्ट नंबर इंशाल्लाह इनका, चीमा साहब का। हाँ जी, मार तो नेक्स्ट इंशाल्लाह। चीमा साहब जाना है कहीं यूरोप? इंशाल्लाह यूरोप। चीमा साहब भी जाएंगे जी इंशाल्लाह यूरोप, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। चीमा क्या हो गया है? लेन जी, अलविदा का टाइम हो चुका है, हमाद की बोर्डिंग शुरू हो गई है। तो हमाद ने हम सब से मिल के जनाब अपना रास्ता पकड़ा जाने का, कागज़ा चेक करवाएगा। यहाँ बोर्डिंग भी खुल गई है हमाद की। तो आज इनका दोस्त परदेसी हो गया जी, समझ लें कि लंबा परदेसी हो गया जनाब। हमाद जा रहा है UK, अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा कामयाब करे। हम सब की दिली दुआएँ हैं, हम नेक ख्वाहिशात के साथ इसे अलविदा कर रहे हैं, ठीक है जी। अल्लाह हमाद को बहुत ज़्यादा कामयाब करे जी। आए हाय मामा दे सोने पुत्र परदेसी, तो यकीन करो परदेस भी बड़ा औखा होंदा वे। तो क्योंकि परदेस विच नाज नखरे किसी नूं नहीं बंदा वहा सकता। अगर बंदा कार होंदा यकीन करो कार अपने नाज नखरे वहांदा वे, मैं नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई परदेस में जो कुछ भी है ना, खुद ही करना है, खुद ही खाना है, खुद ही पकाना है, खुद ही अपने सब कुछ अरेंजमेंट करने ने। अभी हम वापस निकले हैं ब्राय मोटरवे, ठीक है, लाहौर से मोटरवे वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में जनाब ये देखें, चीमा साहब फुल अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो लाहौर से मैं भी वापस आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमाद UK चला गया, अल्लाह उसे बहुत ज़्यादा कामयाब करे। हम सब दोस्त से विदा करके आ चुके हैं अलविदा। तो रात को 3 बजे 2:30 बजे निकले थे, रास्ते में सोया नहीं हूँ, कोई भी नहीं सोया। तो आधा घंटा मेरे ख्याल में मैं आँख लगाई है रास्ते में, नींद आपको पता है सारी टाइम बहुत ज़्यादा आती है। देर पर पहुँच रहा था, आधा घंटा मैं सोया बस रास्ते में, बाकी नहीं सोया। अभी 4-5 घंटे सोऊँगा फिर इंशाल्लाह दुकान पे जाता हूँ। बहुत ज़्यादा थकावट है आँखों में, नींद भी बहुत ज़्यादा आई है। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।